पकौड़े हमारे होते जा रहे हैं, बल्कि हो चुके हैं, मैं इनको निकाल दूंगी। और ये देखें कितने मज़े मारिया। और आज की मेरी वीडियो है ना वो है जी चने की दाल के पकौड़े मैं बनाने वाली हूँ, बहुत मज़ेदार, बहुत क्रिस्पी। इससे पहले अपनी रेसिपी कभी नहीं सुनी होगी। तो इसके लिए जो मुझे इंग्रेडिएंट्स चाहिए ना, तो मैंने चने की दाल को, ये देखें मेरे अच्छे खासे चने की दाल जो है ना फूल चुकी है। चने की दाल को जो है ना मैंने फजर के टाइम पे जो है वो फजर की नमाज़ पढ़ने जब मैं उठी थी तो मैंने उस वक्त भिगो दिया था, और 5-6 घंटे भिगे। 1 घंटे भी भिगो सकते हैं आपकी मर्ज़ी, लेकिन जितना आप देर तक भिगो के रखेंगे उतना अच्छा ये पिसेगा। ठीक है, ये बिल्कुल देखिए फूल चुकी है। ठीक है, अब नेक्स्ट स्टेप हमें क्या करना है, इसको हमें पीसना है। उससे पहले मैं आपको मसाले वसाले बता दूँ। आप लोग देख रहे हैं कि इस मिक्सर के अंदर जो है ना वो जीरा है और लाल मिर्च है, साबित लाल मिर्च है, और जीरा 1 चम्मच के बराबर जीरा है, और तकरीबन 5 से 6 दाने जो है वो लाल मिर्च के। मैं ये पीस लूंगी, अगर आपके पास पिसा हुआ पहले से रखा हुआ है तो वेल एंड गुड, मेरे पास नहीं था इसलिए मैं दोनों ही साथ पीस लूंगी। ठीक है, दोनों को मैंने इस तरह से पीस लिया, सफूफ सा बना लिया है। अब नेक्स्ट स्टेप मैं क्या करूंगी कि चने की दाल का जो पानी है ना मैंने तकरीबन फेंक दिया, लेकिन थोड़ा थोड़ा सा रहने दिया ताकि चने की दाल में पिस जाए और मुझे एक्स्ट्रा पानी ना डालना पड़े। मैंने डाल दिया, अब मैं इसको पीसूंगी। चने की दाल कितनी अच्छी पिसाई है, कितनी जबरदस्त सी पिस गई है। अब इसमें हम क्या क्या डालेंगे जल्दी से नोट कर लें। मेरे पास 1/2 कप मैदा है, 1/2 कप मैदा डालूंगी। अच्छा, चने की दाल ही मैंने कम से कम 1 कप के बराबर दी थी, उसी को भिगा दिया था। ठीक है, ये इस एक बॉल के बराबर, तो मैंने उसके मुताबिक 1/2 कप मैंने मैदा ले लिया है, और 1/2 कप ही मैं बेसन ले लूंगी। ये अगर आप लोग डालना चाहें तो डालें, नहीं डालना चाहते नहीं डालें, लेकिन इससे क्रिस्पी हो जाएंगे, बस पकौड़ा थोड़े मजे के बनेंगे। मसाले में हम क्या क्या डालेंगे, मसालों में हमने देखिए जो अभी हमने जीरा और साबित लाल मिर्च का मसाला पीसा था वो लिया 1 चम्मच, हमने 1/2 चम्मच लिया लाल मिर्च, 1/2 चम्मच लिया हमने हल्दी, और सॉल्ट अपनी मर्जी के मुताबिक आप लोग डालें, और अगर कम होगा तो मैं ऊपर से और डाल दूंगी, और मैंने खाने का सोडा लिया है। ये तमाम मसाले मैं इसमें मिला दूंगी। सही है, अब हम इसको अच्छे से पहले मिक्स कर लेंगे। और इसमें पानी मिलाने की जरूरत पड़ेगी तो फिर बाद में हम इसमें हल्का सा पानी मिलाएंगे, ज्यादा नहीं मिलाएंगे। पहले मैंने अच्छे से मिक्स कर लिया, फिर मैं देखूंगी मुझे अब पानी की क्वांटिटी कितनी डालनी है। ये देखें पानी के बगैर ही अच्छा खासा ये हो गया है। हल्की सी बिल्कुल पानी की क्वांटिटी डालूंगी, बिल्कुल हल्की सी, देख सकते हैं आपके मतलब 2 चम्मच के बराबर। अब इसको अच्छे से मिक्स कर लूँगा। अब मैं इसको हाथ से मैं करूँगी, क्योंकि हाथ से करने का अपना मज़ा ही अलग है। हाथ से मैं आपको बता दूँ कि देखिए मैंने हाथ से मिक्स किया है, इस तरह से मार मार के करना है, बहुत बदतमीजी से नहीं, लेकिन इस तरह से। इस तरह क्या होगा कि आपका जो अंदर का जो बैटर होगा वो नरम रहेगा, ऊपर क्रिस्पी रहेगा, और बहुत अच्छे से इसमें सारी चीज़ें जो है ना वो मिक्स हो जाएंगी। अब और इसको मैं मिक्स करने के बाद तकरीबन 1/2 घंटे के लिए रख दूंगी, छोड़ दूंगी। एक इन्ग्रीडियंट जो मैं बताना भूल गई वो है पिसा हुआ धनिया। हमें पिसा हुआ धनिया डाल देंगे इसमें, तकरीबन इतना 1 चम्मच के बराबर पिसा हुआ धनिया भी हमें डालना है इसमें। और आप लोग देख सकते हैं जो मैंने धनिया डाला था इसके साथ ही जो है ना मैंने 1/2 घंटा इसको छोड़ दिया था। 1/2 घंटा छोड़ने के बाद अब मैं प्याज और धनिया को मैंने किस तरीके से काटा हुआ बारीक बारीक ये पूरा इसमें डाल दूंगी। और जब ये बिल्कुल मैं पकौड़े तलने जा रही हूँ उस वक्त डाल रही हूँ, क्योंकि प्याज जो होता है वो पानी छोड़ देता है, और फिर आपका जो बेसन है ना वो जो आपने बेसन बनाया है वो बिल्कुल ख़राब हो जाएगा। तो प्याज बिल्कुल आखिर में डालें जब आप तलने। हमने पकौड़ा का मिक्सर अच्छे से तैयार कर लिया है, तेल हमने प्री हीट करके इसको जो है हमने हल्की आँच पर रख दिया है। अब इस तरह से बनाएंगे और इस तरह से बिस्मिल्लाह करके डाल देते हैं। ठीक है, बहुत ही मज़ेदार ये पकौड़े बन के आपको नजर आएंगे कि कितने मज़े के पकौड़े बने। देखिए जी, मज़ेदार से हमारे दाल के चने की दाल के पकौड़े तैयार हैं, और आप इनकी ये शक्ल देखें कितनी ज़बरदस्त लगती है, खाने में कितने मज़े के लगेंगे। हरी चटनी के साथ, रायते के साथ, केचप के साथ बहुत मज़े के लगेंगे। यकीनन आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी, वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करना हर की मत भूलिएगा। इसके साथ मुझे दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।